देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। एनसीईआरटी की सफलता के बाद उत्तराखंड सरकार जल्द ही फीस एक्ट लाने जा रही है और जल्द ही कैबिनेट में फीस एक्ट का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। इसी सिस्टम के आधार पर स्कूलों का निर्धारण भी होगा। मंत्री ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम ने फीस एक्ट का प्रस्ताव तैयार किया है। इस एक्ट के लागू होने से अभिभावकों को हर साल होने वाली फीस वृद्धि से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा हर साल फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसी को रोकने के लिए सरकार फीस एक्ट पर कार्य कर रही है। हम इसमें ग्रेडिंग सिस्टम लागू करेंगे। मान लीजिए कोई अभिभावक है, अपने बच्चों को साल का 10 लाख रुपए फीस खर्च करना चाहता है, तो उन स्कूलों की हम कैटेगरी अलग बनाएंगे और लास्ट कैटेगरी जहां बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको ज्यादा फीस देनी पड़ती है, उनकी कैटेगरी हम अलग बनाएंगे। बोर्डिंग का अलग होगा, बोर्डिंग हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको हम बड़ी एक चिंता करके और रिसर्च करने के पश्चात, हम ही नहीं मेरे द्वारा और भी बहुत से वैज्ञानिक लोग हैं, शिक्षा भी लोग जुड़े हुए हैं जिनके जिम्मे हमने ये काम लगाया हुआ और बहुत हम पारदर्शी तरीके से, ताकि कोई हम पे उंगली ना उठा पाए कि हमने बदले की भावना से किसी से काम किया। क्योंकि आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।